हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रतनगढ़ साइड चूरू सादुलपुर के बीच जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तो उसका किस प्रकार से काम चल रहा है, क्या कंप्लीट हुआ है चूरू और सादुलपुर के बीच, यहां पर इस वीडियो में आप देखेंगे। तो देखिए, यहां पर चूरू और सादुलपुर के बीच यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है पहले से, उसके पास में ही रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस रेलवे ट्रैक के पास जो भी है टिब्बे हैं और वगैरह जो भी है, मतलब इसको साफ किया जा रहा है और इस प्रकार से इसे जमाया जा रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है ट्रकों के माध्यम से और देख सकते हैं इस प्रकार से जेसीबी लगी हुई है, मिट्टी को छिदाया जा रहा है और इसको समतल किया जा रहा है, मतलब कि इस ज़मीन को नीचे की तरफ दसाया जा रहा है और उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, डबल लाइन हो जाएगी यहाँ पर आने जाने के लिए अलग, मतलब जाने के लिए अलग, आने के लिए अलग, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं इस ट्रैक को जमाया जा रहा है, अभी बारिश भी हुई है लेकिन फिर भी इसे पानी से डालकर मतलब अच्छी प्रकार से जमाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेसीबी लगी हुई है और यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है और उस मिट्टी को दबाया जा रहा है, नीचे दसाया जा रहा है, ठीक है, ताकि रेलवे ट्रैक बने तो नीचे न दसे और जो रेलवे ट्रैक है उसके बराबर यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी डाली जा रही है ट्रकों के माध्यम से, ट्रैक्टरों के माध्यम से और इस ट्रैक को एकदम मतलब कि बलडोजर के माध्यम से इसको अच्छी प्रकार से दबाया जा रहा है, नीचे दसाया जा रहा है जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा। और इसे पकाने के बाद, इस मिट्टी को अच्छी प्रकार से नीचे दसाने के बाद, उसके बाद इस पर और भी कंकर पत्थर डाले जाएंगे और अच्छी प्रकार से इसको मतलब कुटाई तो नहीं कर सकते लेकिन बुलडोजर से इसे मतलब अच्छे से दबाया जाएगा, ठीक है। और मतलब जो भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके माध्यम से इसको एकदम तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी मिट्टी डाली जा रही है, इस मिट्टी को उसके बाद बुलडोजर के माध्यम से दबा जाए। जैसा कि सामान्य हम घरों में जैसे हम फर्श बनाते हैं, फर्श डालते हैं मकान में, तो उसको कूटते हैं, पीटते हैं, दबाते हैं, उसके बाद मसाला डालकर उस पर फर्श डाला जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ज़मीन मतलब नीचे न धसे, ठीक है, तो ज़मीन की मजबूती बनी रहे ताकि आगे ट्रेन चले तो नीचे न धसे, तो इस प्रकार से इसे तैयार किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बस इतना ही दिखाना था। तो ये वीडियो सादुलपुर और चूरू के बीच की है, कैसी लगी कॉमेंट